प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अरीजा पेश किया और मैंने कहा मूसा आपने तो कोशिश भी की थी मुलाकात की कि आप बताइए अल्लाह है, तो हजरत मूसा कहेंगे हाँ अल्लाह है। तो मैंने कहा आपने देखा है, तो मूसा कहते हैं मैंने देखने की तो कोशिश की थी, अल्लाह ने फरमाया था लंतरानी, अरे मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन जब मैंने ज्यादा ही कोशिश की तो अल्लाह पाक ने फरमाया फला जगह पे आ जाना। और जब मैं वहां पहुंचा मैंने रब की रहमत की एक तजल्ली देखी, मैं उसको देख करके बर्दाश्त ना कर पाया, जमीन पर आ गया। मैंने कहा मूसा आपने देखा, तो मूसा कहेंगे नहीं मैंने नहीं देखा। हजरत ईसा से मैंने पूछा ईसा आप बताइए अल्लाह है, तो हजरत ईसा कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है, तो हजरत ईसा कहेंगे नहीं मैंने नहीं देखा है। और नीचे आइए बगदाद चलते हैं, अब्दुल कादिर से पूछते हैं, अब्दुल कादिर आप बताइए आपको लोग हुस्नुल अफ़ास कहते हैं, आपको लोग कुतुबुल आफ़ताब कहते हैं, क्या आप बताइए अल्लाह है, तो अब्दुल कादिर कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है, तो अब्दुल कादिर कहेंगे नहीं देखा नहीं है। गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं, गरीब नवाज आप बताइए अल्लाह है, तो गरीब नवाज कहेंगे हाँ अल्लाह है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। हजरात और आइए, ज्यादा दूर ना जाइए, सदरुल्लाह फाजिल मुरादाबाद की बारगाह में जाइए। आप कहोगे मैं कहूंगा है सदरुल्लाह फाजिल आपने तो कुरान करीम की तफसीर की है, आप बताइए अल्लाह है, तो सदरुल्लाह फाजिल कहेंगे बेटा अल्लाह तो है। मैंने कहा आपने देखा है, तो सदरुल्लाह फाजिल कहेंगे नहीं देखा नहीं है। आप और करीब आ जाइए, रामपुर दराया मुफ्ती मकबूल के पास आ जाइए। मैं कहता हूँ मुफ्ती मकबूल आप बताइए अल्लाह है, आप ईदगाह की मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो, लोग तुम्हारे पीछे बहुत नमाज पढ़ते हैं, आप बताइए अल्लाह है, तो हजरत मकबूल कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है, तो हजरत मकबूल कहेंगे नहीं देखा नहीं है। हजरत आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं आप बताइए अल्लाह है, तो हजरत आला हजरत भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है, तो आला हजरत भी कहेंगे नहीं देखा नहीं है। मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ पेश किया, मैंने कहा ताऊ रहमान भाई आप बताइए अल्लाह है, आप अपॉइंटमेंट के जिम्मेदार हो, तो अल्लाह रहमान भाई भी कहेंगे अल्लाह है। मैंने कहा आप बताइए आपने देखा है, तो जवाब मिलेगा नहीं देखा है। जवाब मिला, आदम बोले अल्लाह है देखा नहीं है, शीश बोले अल्लाह है देखा नहीं है, ज़करिया बोले अल्लाह है देखा नहीं है, सुलेमान बोले अल्लाह है देखा नहीं है। जब सारे लोग बोले अल्लाह है देखा नहीं है, तो मेरे जहन में एक सवाल झटका, मेरे जहन में एक सवाल आया, आखिर कोई ऐसी जात तो होगी जिसने अल्लाह को देखा होगा। मेरे जहन में बात आई, तो मैं आपको लेकर के आलम तसव्वुर में मदीना पहुंचा, जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मदीना और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आप बताइए, आप दुनिया में रह करके नबी की शान बयान करते रहे, लोगों से कहते रहे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आए तना ही सहे परी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सारी दुनिया के उलमा, सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के सहाबा और तमाम तर दुनिया के अंबिया बोले अल्लाह है, लेकिन देखा नहीं है। जब हम आका की बारगाह में गए, हमने कहा आका आप तो गरीबों को सीने से लगाने वाले हो, आप तो बेसब सहाराओं को सहारा दिलाने वाले हो, आका हम परेशान है। आदम ने कहा अल्लाह है देखा नहीं है, शीश ने कहा अल्लाह है देखा नहीं है, ज़करिया ने कहा अल्लाह है देखा नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया गुलामों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुलामों घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह है, मेराज में मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखा है, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा की शान का ये आलम है, तो परवरदिगार की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद।